बंदा नवाज की बात करें तो किस प्रकार की मूवी है? आप प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, तो कैसी मूवी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, बंदा नवाज एक बहुत ही अलग तरीके की मूवी है, जिस मूवी को हम लोग बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। और इसका जो स्टोरी है, इसका जो सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल आम फिल्मों से अलग हट करके है। और इसकी स्टोरी तो भी हम लोग नहीं बता पाएंगे, बट ये मैं बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि एक बहुत ही अलग टाइप की ये मूवी है, जो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। कितने महंगे बजट की है या कम बजट की है फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं बजट की बात करूँ तो ऑलरेडी हम एक बहुत ही अच्छे बजट में इसका काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे स्टार कास्ट और बाकी चीज़ें होती जाएगी और जो भी डायरेक्टर ने हमें एक बजट दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग उस बजट में उस मूवी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। पोस्टर का जो पहला लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे पोस्टर को लेकर? एक मैंने बताया शुरू में सर कि ये बिल्कुल अलग हट करके इसको स्टोरी है, इसलिए हम लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल आम फिल्मों से अलग हट करके कर रहे हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो अभी तक कितने लोगों को आपने फाइनल कर पाया इसमें? स्टार कास्ट में जो हमारे जो मेन लीड रोल में हैं, मिस्टर हेदम त्रिपाठी जी हैं, और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही नामी गिरामी हीरो और जो है कि एक्ट्रेस हैं, जो आपको बहुत जल्द हम उनके नाम भी बताएंगे और बहुत जल्द आपको पर्दे पे भी दिखाई देंगे सर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने फिल्म का शुभारंभ किया, मूर्त किया, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है, तो कैसा उनका आपका प्रक्रिया कैसा रहा, कैसी केमिस्ट्री रही, क्या कुछ? देखिए सर, ये तो पहले तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय देकर के हमारे इस मूवी को टाइम दिया और हम लोगों को सपोर्ट किया कि हम लोग जो है कि हम लोगों का मनोबल ऊंचा किया है। ये सारा श्रेय हमारे डायरेक्टर मिस्टर अरुण राज जी को जाता है, ये उनकी मेहनत का फल है और उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत ही बेटर कुछ करना चाहते हैं। बात की जाए फिल्म कहाँ कहाँ शूटिंग होगी, कब तक दर्शकों के बीच में आएगी, रेडी कब तक हो जाएगी? शूटिंग की बात करें सर तो इसका मैक्सिमम जो शूटिंग है वो महाराष्ट्र में है और इसके कुछ हिस्से जो है कि हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भी शूट करने जा रहे हैं सर। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी ऑफर करेंगे, चूँकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जी बिल्कुल, वहाँ के भी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सपोर्टिव हैं और फिल्मकारों के लिए बहुत ही अच्छा जो है कि सपोर्ट करते हैं और हम चाहेंगे कि उनका भी सपोर्ट मिल जाए। तो दर्शकों को क्या अलग मिलेगा इसमें देखने की और क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों? दर्शकों को अलग हमने बताया सर कि ये मूवी जो है टोटल एक अलग हट करके है और थोड़ी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, टेररिज्म को लेकर के हम लोग इस पर जो है कि हम काम कर रहे हैं और बाकी चीज़ें हम लोग आगे चल करके धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। वीरेंद्र जी, फिल्म बनाना कोई छोटी काम नहीं होती, बहुत बड़ा काम होता है, ये सब कैसे आपके चयन में आया और इसके पहले भी आप फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, एक सफल प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं? जी, मैं इससे पहले ब्लैक मार्केट मूवी बनी है हमारी और इसके पीछे जो रीज़न है मूवी बनाने की, इससे पहले जो कि हमारे बड़े भाई हैं मिस्टर शिवचरण यादव जी और मिस्टर शिव कुमार भारद्वाज जी, इन लोगों ने हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं दोनों लोग मिलकर, जो कि मनोरंजन क्षेत्र में हम हैं एज ए प्रोड्यूसर वीरेंद्र कुमार यादव, और हमारा जो बैनर है शिवा फिल्म एंड टीवी हाउस, शिवा फिल्म एंड टीवी हाउस बैनर पे मूवी बनाए हम लोग ब्लैक मार्केट, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। और ये दूसरी मूवी है बंदा नवाज मूवी, इस मूवी की शूटिंग चल रही है अभी मुंबई में और इसके हम लोग इस मूवी के कुछ पार्ट शूट करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी जिले में। सर, मेरा सवाल आपसे होगा, इसके पहले जो ब्लैक मार्केट आपकी फिल्म थी, उसके डायरेक्टर कौन थे? उसके डायरेक्टर ऑलरेडी हमारे अर्जुन राज जी हैं, उन्हीं के डायरेक्टर। तो एक बार फिर से बंदा नवाज में अर्जुन राज जी को आपने चुना है, तो कहीं अच्छी क्वालिटी उनके अंदर होगी। हाँ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है फिल्म कराने में। बिल्कुल, अर्जुन राज जी हमने बताया कि एक अलग हट करके डायरेक्टर हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर है और इनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने मूवी बनाई है ब्लैक मार्केट, उसका भी सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है और मैंने इसके बारे में बताया है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लैक मार्केट का, वो एक तरीके से समाज में हो रही जो बुराइयाँ हैं
उस पर कैसे हम काबू पा सकते हैं, उन सब चीज़ों को दर्शाया गया है। उसमें ये चीज़ें भी दर्शाई गई कि जैसे ही हमारा कानून थोड़ी देर के लिए भी आंखें बंद कर लेता है तो समाज में जो अपराध हैं वो बड़े तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही फिर कानून अपना डंडा उठाता है तो समाज में हो रही सारी बुराइयाँ एक किनारे हो जाती हैं। ये बहुत ही एक अलग तरीके की स्टोरी है और हम लोगों ने एक जेन्युइन स्टोरी उठाई है जो हम बहुत जल्द 1 से 2 महीने के अंदर दर्शकों के बीच में हम देने जा रहे हैं। अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक हमारी ये मूवी रिलीज़ होगी। बहुत ही अच्छा लगेगा सर उसको देख कर। शूटिंग भी शुरू हो चुका है? ऑलरेडी हमारी जो ब्लैक मार्केट उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मूवी कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी हम लोग उसका म्यूजिक लॉन्च कर चुके हैं, बस रिलीज़ के कगार पे हैं। बाकी जो हमारी दूसरी मूवी बंदा नवाज़ है ऑलरेडी इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हमारी शूटिंग हो भी जाएगी। तो कैसी केमिस्ट्री है आपकी और अर्जुन जी की इस फिल्म में, फिल्म की बारीकियों में, डायलॉग्स पे, जब अर्जुन जी की निगाहें पहनी होती हैं तो क्या कहना, क्या शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, एक डायरेक्टर जो होता है वो अपनी मूवी को एक बच्चे की तरह पालता है और कैसे करना है, ये जो क्रिएटिविटी होती है, जो कल्पना होती है, वो एक डायरेक्टर ही सोच सकता है, प्रोड्यूसर उसके बारे में नहीं सोच सकता। प्रोड्यूसर एक तरीके से सपोर्टिव एक पार्ट होता है जो डायरेक्टर के पीछे हमेशा खड़ा रहता है और वो हमारी उनकी केमिस्ट्री चल रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आपको नवाजा गया है डायरेक्ट करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी खुशनसीबी है और ये खुशनसीबी इतना जल्दी नहीं आई है क्योंकि इसके लिए मैंने 16 साल वेट किया। 16 साल में मैंने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं। शिवा फिल्म एंड टीवी हाउस का जो योगदान रहा है मेरी लाइफ में ये काफ़ी सराहनीय रहा हुआ, सराहनीय है। ब्लैक मार्केट के बाद आपको बंदा नवाज में डायरेक्ट करने का मौका मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको प्रोड्यूसर की तरफ से दी गई है, तो किस तरह से निभा पा रहे हैं अपने? देखिए, जिम्मेदारी तो डायरेक्टर के सर पे हमेशा होती है क्योंकि अगर आप एक फिल्म अच्छी बनाते हैं दूसरी फिल्म उससे अच्छी होनी चाहिए जी। तो बंदा नवाज जो है ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और चूंकि ये वर्ल्ड टेररिज्म पे बेस है, जैसे वर्ल्ड सिनेमा, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक बॉलीवुड सिनेमा ने दिखाया नहीं है, ये जो बिल्कुल अलग होगी, हटके फिल्म। आपके हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है फिल्म को लेकर के। जैसा पिछली बार आपने कहा था कि फिल्म में म्यूजिक नहीं है, गाने नहीं है, इस बार आपने टेररिज्म की बात कही है, तो क्या आगे भी कुछ इस तरह का कंट्रोवर्सी या इस तरह का कुछ मिलेगा? देखिए, कंट्रोवर्सी की जहाँ तक बात है, ये कंट्रोवर्सी की जहाँ तक बात है, हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे चीप पब्लिसिटी पाने के लिए। हमारा सिनेमा जो कहता है, हमारा सब्जेक्ट जो कहता है, हम वही मीडिया के सामने रखेंगे, वही आवाम के सामने रखेंगे और ये आवाम तय करेगी कि ये कैसा सिनेमा है। मैं अपना बेस्ट दूंगा और डेफिनेटली ये मैं, चूँकि मैं भी भीड़ का एक हिस्सा हूँ, आज मैं फिल्में बनाता हूँ बट मैं भी एक आम पब्लिक हूँ, मैं भी दूसरों की फिल्में देखता हूँ, अच्छा अच्छों को अच्छा बोलता हूँ, बुरे को बुरा बोलता हूँ। तो सिनेमा में सच्चाई की बात चल रही है, अभी भी सिनेमा सच पे आधारित है, तो इसमें कितना तड़का डाला है आपने या रियल सच्चाई ही खाली छोड़ दी? ये तड़का है नहीं फिल्म में, एक जो नेचुरल सिनेमा होता है इट्स ए नेचुरल सिनेमा, इसमें आपको कोई बनावटीपन लगेगा नहीं। इतिहास से छेड़छाड़ कुछ फिल्में किए गए हैं देखिए, इसका इस फिल्म का इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पिछले 10 सालों में जो हमारे वर्ल्ड में हुआ है, जो दुनिया में हुआ है, ये सिनेमा उसी से रिलेटेड है। कास्ट के बारे में देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट जो करेक्टर आर्टिस्ट हैं और जो लीड कास्ट है, मिस्टर हेरन त्रिपाठी, जीत राय दत्त, हमारे संदेश गौर जी, रोहित मेहता, शाहबाज, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैंने फाइनल किया हुआ। रही बात जो मार्केट के एक्टर्स हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है और बहुत ही दिग्गज एक्टर्स इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो तमाम फिल्में बन रही हैं, हर हफ्ते रिलीज हो रही हैं, इसमें क्या जनता को, पब्लिक को, आपके जो ऑडियंस हम क्या अलग देखेंगे? देखिए, ये तो मैं बोलूँगा तो आप समझ नहीं जाएंगे, जब सिनेमा आएगा और आप देखेंगे जब ही आप बोल सकते हैं हाँ, उस डायरेक्टर का जब फर्स्ट इंटरव्यू लिया था इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसने जो बोला था वो चीज़ सिनेमा में दिख रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिनेमा बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जो सिनेमा आज तक आपने देखा है, कंटेंट देखा है, इससे बेसिकली ये कंटेंट जो है बिल्कुल अलग है।